गुड मॉर्निंग गाइज, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये व्लॉग जस्ट ऐसे ही बना रही हूँ, लाइक द होल डेली थिंग है ना। और ये रही हमारी आली। गुड मॉर्निंग। ओके, सो आई हैव टू अपडेट अबाउट मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता की तबीयत ख़राब है। यू नो, जैसे मेरे ये लिप पर इधर हुआ है, वैसे उनके पूरे ऐसे चेस्ट से लेकर पूरा इधर मुँह के अंदर ऐसे छाले आ गए। तो 3-4 दिन से तो वो परेशान है उस चीज़ को लेकर। एंड आज तो सुबह वो उठे भी नहीं है, मस्त आराम से सोया, तो मैंने भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं अभी सारा घर का काम कर लेती हूँ। कल है महाशिवरात्रि और मैं हूँ पीरियड्स में। देखो यार, ऐसे ही टाइम पर आना होता है। ये आज ख़त्म हो जाए तो बेटर है। 4 तारीख को बराबर से मेरी जो डेट होती है पीरियड्स की, उसी दिन मेरा पीरियड्स आया। तो आई एम हैप्पी कि मेरी ये जो वेट लॉस जर्नी 1 साल पहले मैंने जो शुरू की थी, उस वजह से यू नो माय बॉडी इज़ फंक्शनिंग वेरी नेचुरली नाउ। मतलब नेचुरली कंसीव करना, भले मिसकैरेज हुआ लेकिन नेचुरली कंसीव करना। एंड आप लोग को ना एक चीज़ बताती हूँ, मैंने पीपल वर आस्किंग मी कि थी आप कब से ट्राई कर रहे थे फॉर प्रेगनेंसी। तो नहीं, हमने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, कभी भी नहीं। वी वर लाइक हो जाएगा तो हो जाएगा, वी आर हैप्पी विथ इट। एंड मुझे और पवन जी को साथ रहते हुए इस साल 10 साल हो जाएंगे, 10 साल। एंड तब जो मेरी लाइफस्टाइल थी, इट वाज वेरी अनहेल्दी। लाइक हर एक दिन कोल्ड ड्रिंक्स पीना और हफ्ते में 6 दिन बाहर का खाना, तो इट वाज वेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। तो उसमें हेल्दी जो घर का होता था वो मैं तो हफ्ते में 1 दिन खाती थी, 1 या 2 दिन, बाकी के दिन तो सिर्फ बाहर का खाती थी। तो इस चक्कर में जो है ना, क्या बोलते हैं, मेरा पूरा बॉडी का सिस्टम, इट वॉज लाइक मेस्ड अप। एंड वेट भी ज़्यादा था। लाइक मैं लास्ट टू लास्ट अपने वेट कहाँ पहुँची थी, मेरे वेडिंग के टाइम पर इट वॉज़ 121 या 124, ऐसा कुछ पहुँची थी मैं। यस, इतना पहुँची थी मैं। तो सोचो कितनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होगी, राइट। मतलब खाना पीना टाइम पर नहीं, रात रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे तक डिनर करना, सुबह का कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी खा लेना, ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर ब्रेड्स खाना एंड ऑल वगैरह। तो जब से मेरा ये 1 ईयर जो वेट लॉस जर्नी शुरू हुआ है ना, थिंग्स जो हमने हमारे शरीर के अंदर बिगाड़ी है, वो सुधरने के लिए 1 रात काफ़ी नहीं होती। इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स टाइम। तो ये चीज़ मेरे साथ हुआ पूरा, मतलब बोलते हैं ना, मार्च 2023 से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी जो है वो शुरू की थी प्रॉपर वाली। एंड अब देखो, विदाउट ट्राइंग, विदाउट थिंकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, आई लिटरली गॉट प्रेगनेंट, वो भी नेचुरली। मतलब एक टाइम हमारे लाइफ में ऐसा आया था, लोग ऑफकोर्स ताने मारते थे ना, तो चाहे रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, रिलेटिव्स के अंदर अंदर बहुत सारे रिलेटिव्स जो होते हैं वो, कि शादी को इतने साल, शादी को तो 3 साल ही हुए, लेकिन साथ रहते इतने 6.5 साल एक्स्ट्रा हो गए थे, तो टोटल 10 साल प्रेग्नेंट नहीं हुई। मतलब तो पति पत्नी दोनों में कुछ प्रॉब्लम होगी, बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ऐसा वैसा क्या क्या नहीं बोला हम लोग को। लेकिन वो सब बोलते हैं ना, ऊपर वाले का खेल होता है, और हमारे शरीर का जो बोलते हैं ना हेल्दी लाइफस्टाइल, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई, विदाउट ट्राइंग, विदाउट थिंकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, विदाउट गेटिंग स्ट्रेस्ड अबाउट प्रेगनेंसी, नेचुरली मैं प्रेग्नेंट हुई, राइट। तो ये सब चीज़ें मतलब विदाउट प्लानिंग हुआ मेरे साथ। तो आप लोग जो मुझे पूछते हो ना कि लाइक आप कितने टाइम से प्लान कर रहे थे, तो नहीं, हम लोग कभी प्लान नहीं कर रहे थे। वी वर लाइक वील गो विद द फ्लो, जब होगा तब वील बी वेरी हैप्पी टू वेलकम दैट न्यू बेबी। बाकी हमारा तो अडॉप्शन वाला टारगेट भी है ही, चाहे बच्चा पहले पैदा हो या बच्चा बाद में पैदा हो, तो बेबी जो गर्ल अडॉप्ट करनी है वो तो होना ही है, डेफिनेटली होना ही है। बस क्या होता है ना, अभी रिसेंटली मेरा जो मिसकैरेज वाला व्लॉग है, उसमें एक जन ने शायद से पूरा वीडियो नहीं देखा था, तो उन्होंने बस कमेंट कर दिया कि आप तो बच्चा अडॉप्ट करने का बोल रहे थे, ये प्रेगनेंसी कहाँ से आ गई। कहाँ से आ गई मतलब क्या, वो ऊपर वाले की देन है, वो जिस वक्त होना था वो हो गए, ठीक है। अपॉन दैट मेरा ऐसा ये है कि देखो, बच्चा जब पेट में आता है तो उसके लिए जो भी
यू नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लाइफ सिक्योर करना बच्चे का, वो उसके साथ साथ होते जाता है. लेकिन जब एक बच्चा अडॉप्ट करने की बात आती है ना, अडॉप्शन, उसके लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है. उसके बिना आपको कोई भी अडॉप्शन सेंटर्स कोई भी बच्चा अडॉप्ट करने नहीं देते, क्योंकि उसके लाइफ का सवाल होता है, राइट. एंड वो चाहे वो अडॉप्टेड बच्चा कितने भी उम्र का हो, ज़रूरी नहीं सिर्फ एक छोटू सा 2-2.5 महीने का बच्चा हो, वो होने के लिए 3 साल की बच्ची भी हो सकती है या वो 6 साल की बच्ची भी हो सकती है. तो उसकी लाइफ के लिए जो फ्यूचर के लिए जो ये लगता है ना, क्या बोलते हैं उसे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसका फ्यूचर सिक्योर करना, ये सब उसके बिना बच्चे अडॉप्ट करने के लिए अलाउड नहीं है. तो वी आर इन दी प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हम अभी भी उस चीज़ पर काम कर रहे हैं. एंड ऐसा नहीं है कि मैं आज अडॉप्ट करना चाहूँ तो मैं अभी जाकर अडॉप्ट कर सकती हूँ, नहीं. उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो सारे जो फॉर्मेलिटीज़ एंड ऑल है सब कुछ, तो हम उस पर 101% खड़े उतरे हैं. वी हैव ऑल डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स एवरीथिंग. बस द थिंग इज़, बच्चे के लिए जो उसका फ्यूचर सिक्योर करने वाला फ़ंड जो हमारे पास तैयार होना है, हम उस पर काम कर रहे हैं. एक बार वो हो जाएगा, हमारे घर भी बहुत प्यारी सी अडॉप्टेड गुड़िया आई. तो इट इज़ नॉट दैट ईजी. बहुत सारे लोग बोलकर हट जाते हैं, अरे तू तो बच्चा अडॉप्ट करने वाली थी, क्या हुआ? हाँ भाई, उसमें वक्त लगता है, उसमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. तो जब आप खुद जाकर एक बार इंक्वायरी कर लेना कि अडॉप्टिंग अ चाइल्ड व्हाट ऑल इट टेक्स, क्या क्या लगता है उसके लिए, तब आप लोग को समझ में आएगा कि इट इज़ नॉट ईजी. एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बच्चा पैदा करना और उस बच्चे को बड़ा करना वो बहुत ईजी है. अडॉप्शन वाला थिंग इज़ डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ पॉसिबल. इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ पॉसिबल. इन कंपेयर्स टू गिविंग बर्थ टू अ बेबी, अडॉप्शन वाला इज़ डिफ़िकल्ट. तो ये डिफरेंस ज़रा समझो. इट इज़ नॉट दैट कि आज मैं सुबह उठी और मैंने बोला कि मुझे बेबी अडॉप्ट करना है, चलो अडॉप्शन सेंटर गए, शाम होते होते बच्चा घर पर लेकर आए. ऐसा नहीं होता यार, वक्त लगता है, सारी चीज़ें सब प्लानिंग से चलनी पड़ती है. बेबी प्लानिंग, ये प्रेगनेंसी, कभी कभार जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ऑफकोर्स वो तो सारा प्लानिंग करना क्या होता है, जब वो लोग बच्चा प्लानिंग करते हैं तब वो लोग उसके लिए जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ करनी होती है उसके फ्यूचर के लिए वो कर रखते हैं ऑलरेडी. तब जाकर वो रेडी होते हैं उस बेबी को प्लान करने के लिए, उस बेबी को बर्थ देने के लिए. समझ रहे? तो ये होता है डिफरेंस. इट इज़ नॉट ईजी. एंड मैंने कहा है कि मतलब अब तो देखो नेचुरली प्रेगनेंसी भी हो गई और भले मिसकैरेज भी हो गया, लेकिन नेचुरली प्रेगनेंसी भी होगी तो आगे भी वो होगा ही, राइट. तो ऐसा नहीं है कि वो बेबी सपोज़ अगर मेरे पेट में आया तो मैं अडॉप्शन के बारे में छोड़ दूँगी सोचना, नहीं. आई विल बी वर्किंग अपॉन इट. जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, चाहे बच्चा मेरे पेट से पहले आए या बाद में, लेकिन अडॉप्शन होकर रहेगा. क्योंकि ये मैं, क्या होता है ना, जिसके पास माँ बाप नहीं होते ना, वो इस फीलिंग को बहुत समझते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से समझते हैं. मैं कोई नहीं होती हूँ लोगों को ये बोलने के लिए कि आप बच्चा अडॉप्ट करो. मेरा कोई हक नहीं बनता. बस मेरी ये थिंकिंग है कि जैसे देखो, हम खुद के पेट से बच्चा आने के लिए आज कितनी सारी लेडीज़ हैं, हाँ, किसी ना किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, किसी ना किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उनको बेबी नहीं हो रहा है. और वो क्या, कितने सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि दी हम इतने समय से ट्राई कर रहे हैं, शादी को 4 साल हो गए, शादी को 18 साल हो गए, शादी को 20 साल हो गए, शादी को 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला. ऐसा कमेंट पढ़ा है मैंने. आप लोग को बिलीव नहीं होता, मेरा वो जो गुड न्यूज़ वाला जो व्लॉग है उसके कमेंट सेक्शन में देख लेना. तो मेरा उनसे बस एक ही कहना है कि माँ बनने का जो सुख है उससे इतने साल वंचित क्यों रहना, जब इतने सारे अडॉप्शन सेंटर्स है, वहाँ से हम प्यारी सी गुड़िया, प्यारा सा लड़का अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे किसी भी एज का हो. और सोचो, हर घर जब अडॉप्शन करने का सोचेगा तो क्या ये अडॉप्शन सेंटर्स बचेंगे, ख़त्म हो जाएंगे? यही तो हमारी मेंटालिटी है ना, हम सिर्फ और सिर्फ हमारा खून ऐसा देखते हैं.
लेकिन खून कोई मैटर नहीं करता। अब देखो आप लोग जो दोस्त बनाते हो, हमारे माँ बाप चूज करना हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे रिलेटिव्स चूज करना हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे भाई बहन चूज करना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारा दोस्त हमारा फ्रेंड कौन बनेगा ये सब हमारा चॉइस होता है, राइट। वैसे ही बच्चे के लिए भी है, बच्चा पेट से वक्त पर आता है तो ठीक है, लेकिन वक्त पर अगर नहीं आता, एक उम्र बीत जाती है और आप उस माँ बनने का बाप बनने का सुख नहीं ले पाते हो, तो इट इज़ बेटर ना टू गो एंड अडॉप्ट। उस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा जो आपको अपने खून जैसा ही प्यार करेगा, एंड आपको बच्चे का सुख मिल जाएगा। तो कभी अगर मेरे लाइफ में कहीं पर किसी जगह पर मोटिवेशनल स्पीकिंग करने की बोलते हैं ना एक चांस मिला ना मुझे अगर, तो मैं लिटरली इस टॉपिक को छेड़ूंगी कि लोग अडॉप्शन से भागते क्यों हैं, क्यों ये मेंटालिटी बनी है मेरा खून मेरे खानदान को आगे बढ़ाएगा, क्यों। कई केसेस में ऐसे हमने देखा है, राइट, कि किसी माँ बाप का बच्चा एक 17-18 की उम्र के बाद अपना काम निकलने के बाद उनको पूछता तक नहीं है, हड़हुड़ करता है। कितने सारे लोग हैं जो अपने एजेड माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। पता है मेरे 2019 का मेरा जो बर्थडे था उस टाइम पर मैं सेलिब्रेट करने के लिए एक वृद्धाश्रम में गई थी और वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी, मतलब वो मिक्स वृद्धाश्रम था, सिर्फ मिक्स आश्रम था, लाइक मिक्स सेंटर था वो, जहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती है ना, यानी कि 10-12 साल तक की, वो वहाँ पर थी और उनके साथ साथ जो एजेड लेडीज़ होती है जिनके बच्चों ने, जिनके बहुओं ने या बेटे ने, बेटे बहुओं ने या बेटी ने घर से बाहर उनको निकाल दिया हो, तो ये सारे लोग वहाँ पर, मतलब वो सिर्फ लेडीज़ लोगों का, फीमेल लोगों का सेंटर था, आश्रम था। वहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं ना, मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वहाँ पर गई थी, सबके लिए पिज़्ज़ा लेकर गई थी, शायद से आप लोग को पता हो, नहीं पता हो तो मैं यहाँ पर देखती हूँ, अगर रील मुझे मिलता है, कोई वीडियो मिलता है या फोटो मिलता है उसका तो मैं डालती हूँ। लेकिन आज अब मैं सोचती हूँ कि ये अपना खून अपना खानदान आगे बढ़ाएगा, नाम रोशन करेगा, ये सब स्टूपिडिटी है। अगर आप माँ बाप बनने के लायक हो, अगर आप किसी से प्यार करने के लायक हो, तो आप ये नहीं देखोगे कि वो आपके पेट से आया हुआ बच्चा है या वो आपने अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है। प्यार प्यार होता है ना, तो इसीलिए मुझे ये बहुत दुख होता है यार लोगों की ये जो मेंटालिटी है ये देखकर कि नहीं हम अडॉप्ट क्यों करें, वो तो किसी और का खून है, हम खुद का बच्चा करेंगे। अरे उस खुद के बच्चा करने के चक्कर में आप सालों बिता देते हो, उस फ्रस्ट्रेशन में सालों बिता देते हो, दूसरे माँ बाप अपने बच्चे के साथ मस्ती करते खेलते उस अनुभव को आप इतना बोलते हैं ना, जब आप देखते हो तो आप इतना फील करते हो। इससे अच्छा है जब वक्त मिले, जब बोलते हैं ना ऐसा मन करे तो जाकर अडॉप्ट करो और उस बच्चे को, उस बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताओ। खून वगैरह कुछ नहीं होता यार, परवरिश सब कुछ होती है। आप अपना खुद का पेट का बच्चा हो या अडॉप्टेड बच्चा हो, आप उसको कैसी परवरिश देते हो वो ही उस चीज़ को आगे बढ़ाता है, आपके खानदान को आगे बढ़ाता है, ना कि खून। कितने सारे खून के रिश्ते हैं जो टिकते नहीं हैं, मेरे खुद के लाइफ में हैं। तो खून डजंट मैटर बिल्कुल भी नहीं। ये मेंटालिटी लोगों को बदलनी चाहिए, एंड आई फील एंड आई होप, जैसे हम लोग फॉरेनर्स की कुछ हरकतें कुछ चीज़ें अडाप्ट करते हैं ना, जैसे पिज़्ज़ा खाना, बाहर की चीज़ें खाना, पार्टीज़ में जाना, लेट नाइट पार्टीज़ में रहना, ये सब चीज़ें हम बहुत अडाप्ट करते हैं ना, आउट ऑफ इंडिया की कल्चर्स बहुत अडाप्ट करते हैं। आजकल इंडिया की कल्चर आउट ऑफ इंडिया वाले अडाप्ट करने लगे हैं, तो आउट ऑफ इंडिया का ये एक कल्चर क्यों नहीं लोगों ने देखा, वहाँ पर अडॉप्टेड चाइल्ड बहुत है। लेकिन हम इंसान की ये फितरत होती है ना, हम किसी की बुरी आदत तुरंत अपना लेते हैं, तुरंत अडाप्ट कर लेते हैं, लेकिन किसी की अच्छी आदत हम नहीं अडाप्ट करते, हम उसमें 100 सवाल उठाते हैं। तो यही गलत लगता है मुझे। अगर मेरी जो सोच है वो आप लोग को बुरी लगती है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन
मेरा ऐसा मानना है कि जिस बच्चे के पास माँ बाप नहीं है ना, उसको अगर तुम माँ बाप का प्यार दोगे ना, तो इससे बड़ा पुण्य इस जन्म में तुमने नहीं कमाया होगा, बिल्कुल भी। जैसे कहते हैं ना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी गरीब को खाना खिलाना, गरीब को ही छोड़ दो, कोई अगर बहुत मिडिल क्लास भी इंसान है और अगर उसका फाइनेंशियली मंथली कुछ ख़राब चल रहा है, अगर उसको उसकी कुछ ना कुछ तरीके से मदद कर देना, बोलते हैं ना साफ दिल से, तो ये चीज़ें पुण्य में गिनी जाती है, पुण्य कमाते हो आप इस जन्म में। तो वैसा ही जब किसी बिन माँ बाप के बच्चे को पालना, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना, उसका एजुकेशन पूरा करना, उसको एक बड़ा आदमी बनाना, बड़ी बोलते हैं ना पोस्ट पर वो फीमेल जो है उसका तरक्की देखना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ा पुण्य का काउंट होता है, सबसे बड़ा, समझ रहे हो? मतलब ऐसा होता है ना यार, वो खुशी ही अलग है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, खुशी अलग है। देखो इतने 12-12 साल बिना बच्चे के रहना, वो दुख बहुत ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में, हर मोड़ पर यही सोचते, काश मेरा भी बच्चा हो, काश मेरा भी बच्चा हो, काश मेरी भी प्यारी सी गुड़िया हो, काश मेरा बहुत हैंडसम सा क्यूट सा लड़का हो। लेकिन अगर वक्त आने पर, वक्त पर अगर हम जो है बच्चे ऑलरेडी उनको अडॉप्ट करें, तो इस माँ बाप के सुख से आप वंचित नहीं रहोगे, है कि नहीं? भले अडॉप्शन होने के बाद, आजकल तो सारे लोग दो बच्चे करते ही है, बराबर एक अडॉप्टेड हो गया, और जब आपके पेट से होना है वो तब एक हो गया, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो दोनों अडॉप्ट कर लो, अगर दो बच्चे चाहिए तो एटलीस्ट उसमें हमारी चॉइस रहती ना कि मुझे एक लड़का चाहिए, एक लड़की चाहिए, राइट? ये चीज़ ज़रा सोच के देखो। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि कर्मा कर्मा जो होता है, हम कर्मा सिर्फ बुरा काम का नहीं होता, कर्मा अच्छा भी होता है। कर्मा यानी क्या? कर्म, हम जो करते हैं उस चीज़ का जो कर्म हम करते हैं, ठीक है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये अगले जन्म पर शिफ्ट नहीं होता गाइस, नहीं होता, जो होता है इसी जन्म में होता है। क्योंकि वो मैंने कहीं पर पढ़ा था, इंसान कुछ 140 सालों बाद या 140 जन्म बाद फिर जन्म लेता है इंसान के ही रूप में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज अगर मैं इंसान हूँ, मरने के बाद मैं फिर से इंसान का जन्म लूँ, नहीं नहीं। अगर मैं गलत हूँ काउंटिंग में, नंबर्स में, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए, 140 जन्म बाद है शायद से, है ना? तो जब हम फिर से जन्म नहीं लेते, तो हमारा इस जन्म में किया हुआ कर्म, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो आगे नहीं ये होता, पोस्टपोन होता, नहीं जाता वो आगे। इसीलिए कहते हैं यही पर किया है यही पर भरना है। तो जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए भलाई करते हैं ना, सिर्फ पुण्य कमाने के लिए भलाई करते हैं, साफ दिल से नहीं करते, सिर्फ इस मतलब से भलाई करते हैं कि भाई मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा, ये सोचकर कुछ करते, तो यही सोचकर अडॉप्शन भी कर लो, उससे बड़ा पुण्य तो और कुछ नहीं है, सोचकर देखना मेरी बात पर। जेंट्स लोग तो फिर भी है ना अपने दिल को बहुत मजबूत रखते हैं, बट एक औरत जिसको बच्चा नहीं हो रहा होता है, वो हर एक साल के साथ वो और टूटती जाती है, अंदर से टूटती जाती है। मैंने जब लोगों के कमेंट्स पढ़े थे ना, मैं खुद अंदर से इतनी टूट गई थी कि मेरा तो एक ही दिन का न्यूज़ था प्रेगनेंसी का, और अगले ही दिन मेरा मिसकैरेज हो गया था, लेकिन उस एक दिन में मैं जो कनेक्शन फील कर रही थी ना, बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है मिसकैरेज होने के बाद क्या वो माँ माँ नहीं रहती, मैं सही मायने में पूरी औरत बन चुकी। एक माँ की फीलिंग क्या होती है, चाहे वो खुद के पेट से आया हुआ बच्चा हो, चाहे वो अडॉप्टेड बच्चा हो, उसको अपने हाथ से खाना खिलाना, उसके सिर पर हाथ फेरना, जब वो बीमार पड़े तो उसका ख्याल रखना, जब वो मस्ती करे तो उसको डांटना, कान खींचना, मारना, हाँ, उसकी पढ़ाई लिखाई में उसका साथ देना, उसको क्या बनना है ज़िंदगी में उस चीज़ के लिए उसे गाइड करना, उसकी नैपी बदलना, उसके कपड़े बदलना, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना, खिलौना खरीदना, उसका फेवरेट खाना बनाना, ये सारा प्यार तो हम एक अडॉप्टेड बच्चे को भी तो दे सकते हैं, है कि नहीं? कहाँ लिखा है कि इन सब पर सिर्फ और सिर्फ
पेट से पैदा होने वाले बच्चे का हक है और किसी और के बच्चे का नहीं, अडॉप्टेड बच्चे का नहीं। मुझे पता नहीं, ये देखो मैं अभी 27 इयर्स की हूँ, ओके, इस साल अगस्त में 28 की हो जाऊंगी, लेकिन ये अडॉप्शन वाली जो फीलिंग मेरे दिल में है ना, ये बहुत सालों से है। नहीं नहीं बोलकर 2016-17 से ये मेरे दिल में है, 2018 से याद है मुझे, हाँ 2018 से। तब मैं क्या उम्र थी मेरी 2017-2018 में, अभी अगर मैं 27 की हूँ, ठीक है, तो पाँच साल पहले 2018, राइट, यानी कि 24 साल थी। तो अगर मैं 24 साल की उम्र में ये इच्छा व्यक्त कर सकती हूँ, ये इच्छा जाहिर कर सकती हूँ कि मुझे अडॉप्ट करना है, तो मुझसे भी और कितने बड़े बड़े लेडीज़ होंगे जो माँ बनने के सुख से वंचित हैं, दूर है, क्यों ना ये कदम उठाए और जाकर अडॉप्शन करे और इस अडॉप्टेड बच्चे को अपने बच्चे जैसा प्यार दे कि उसको कभी ये लगे ही ना कि बेंडी मैं अडॉप्टेड हूँ। कितना खुश हो जाएगा वो, सोचो। ये फीलिंग है ना, ये बहुत सुंदर फीलिंग है गाइस, बहुत सुंदर फीलिंग है। मेरी वेट लॉस जर्नी आप लोगों ने फॉलो की, मैं कॉफ़ी लेमन पीती थी वो फॉलो किया, मैं सैलेड चैलेंज ली अभी, तो अभी लोग भी सैलेड चैलेंज ले रहे हैं। मैं अडॉप्शन करना चाह रही हूँ, क्यों ना आप भी सोचो इस बारे में। अगर मुझे फॉलो करना ही है तो पूरी तरीके से करो ना। मैं क्या पहनती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, ये सब चीज़ों के मामले में फॉलो करते हो, सिर्फ मुझे ही नहीं, कितने सारे एक्टर्स को, कितने सारे सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हो, राइट। लेकिन क्या करण जौहर से हमने ये सीखा, उसने तो दो बच्चे अडॉप्ट किए, राइट। करण जौहर की मूवी हम देखने जाते हैं, वो गे है, ठीक है, उसका मजाक बनाते हैं, उसको क्या जरूरत थी बच्चा अडॉप्ट करने की, पर किया उसने, ही इज अ फादर नाउ। अच्छा ठीक, करण जौहर का छोड़, सनी लियोनी को तो कितने सारे लोग फॉलो करते हैं, उसका पास्ट भी सब जानते हैं, शी वॉज अ पॉर्न स्टार, राइट। वो एक एक्ट्रेस भी है, उसके कपड़े फॉलो किए लोगों ने, उसका लाइफस्टाइल फॉलो किया लोगों ने, लेकिन उसने तीन तीन बच्चों को अडॉप्ट किया, क्या ये कभी फॉलो किया। यही तो बात होती है ना, हम बेसिक चीज़ें, कॉमन चीज़ें और बुरी आदतें बहुत जल्दी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन वही हमारा इंस्पिरेशन पर्सन, वो अगर कुछ बड़ी चीज़ कर दे, कुछ अच्छी चीज़ कर दे, तो हम फॉलो नहीं करते, तो हम निग्लेक्ट कर देते हैं। दिस इज़ वेरी सैड अबाउट द सोसाइटी, वेरी सैड। खाना पीना, रहना, रहन सहन, पैसा वगैरह सब फॉलो करते हैं, बराबर। रेखा जी की साड़ी देखेंगे, ओए क्या साड़ी है, मुझे भी ऐसी साड़ी चाहिए। लेकिन सनी लियोनी ने तीन तीन बच्चे अडॉप्ट किए, मैं भी अडॉप्शन करूँगी, ये नहीं आता कभी किसी के दिल से, तो ये बुरा हुआ ना। सोचो, अगर मेरी बात ठीक लगे तो इस चीज़ पर गौर करना। और हाँ, आई अंडरस्टैंड, जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं ना, जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती है तो उनके सास ससुर अडॉप्शन के लिए नहीं मानते, खुद का बच्चा चाहिए, खुद का खून चाहिए। अरे भाई, जैसे कि वो खून आपका झंडे ही गाड़ने वाला है, हा? आगे जाकर आपका नाम रोशन करके ही रहेगा, बराबर। उस चीज़ में कभी अपने खुद के बच्चे में कभी किसी ने उसका फ्यूचर नहीं देखा कि वो आगे जाकर आपको घर से बाहर निकालेगा या वो आपका नाम रोशन करेगा, वैसा ही अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए है। क्या होता है ना, पानी की तरह होते हैं ना बच्चे, उनको जिस बॉटल में डालो वो उस बॉटल का शेप ले लेता है पानी, वैसा ही बच्चों के साथ भी। अब बहुत सा आप लोग कमेंट करोगे कि दी हमारे सास ससुर जो है वो नहीं मानते, खुद का बच्चा करने के लिए बोलते वगैरह, ये वीडियो दिखा दो उनको, दिखा दो ये वीडियो, लोगों की असलियत बताई है मैंने। आज एक एक परिवार, एक एक परिवार बस ये डिसीजन ले लेना कि इस साल हमने बच्चा पैदा करने पर सोचना तो है, वो तो है ही अगर सोचना चाहो तो, लेकिन हम जाकर अडॉप्ट करेंगे,
5 साल में कोई भी अनाथ आश्रम नहीं बचेगा, सारे बच्चों के पास माँ बाप का प्यार होगा, परिवार होगा, और सारे बिना बच्चे के माँ बाप, बिना बच्चे का परिवार, उन सब के पास बच्चे होंगे। इससे एक और फायदा होगा, जो पॉपुलेशन गेन हो रही है हमारी, हमारे कंट्री की 150 करोड़ कम नहीं होता, राइट? और मुझे जब कोई बोलता है ना कि तुम बच्चा पैदा करने का नहीं सोच रही, तुम अडॉप्शन का क्यों सोच रही, मेरा एक ही जवाब होता है, भाई इस दुनिया में इतने सारे बच्चे ऑलरेडी है ना, उनको प्यार दो, है कि नहीं, उनसे प्यार करो, एक जन को अपने घर लेकर आओ, बाकी लोगों की एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ करो, हाथ बाहर एक लगाओ। क्यों क्यों फालतू में वो बोलते हैं ना, मतलब जबरदस्ती का, देखो नेचुरली जो हो वो बात अलग है, लेकिन जबरदस्ती का हमको चाहिए, हमको पैदा ही करना है, नहीं हो रहा है, फिर भी वो लेडीज को इतना IVF और वो क्या क्या सुई चुबा देते हैं, कितना बुरा है ये। उस एक बच्चे के सुख के लिए आप अपने शरीर पर कितना नुकसान करा रहे हो, और फिर बाद में एक्सपेक्ट करते हो कि वो बच्चा हेल्दी पैदा हो, कैसे होगा। कितना आसान है, इतना सब वो IVF ट्रीटमेंट, वो क्या टेस्ट ट्यूब बेबी, ये वो, इन सब की जगह पर जो बच्चा ऑलरेडी जी रहा है, उसकी सांसें जिसकी चल रही है, उसको अपने घर लेकर आओ। जितना पैसा इस IVF और टेस्ट ट्यूब बेबीज इन सब में गवा रहे हो, वो पैसे से उस बच्चे का बोलते ना लाइफ सुधारो, उसकी लाइफ बनाओ, उसके लिए कपड़े खरीदो, उसका एजुकेशन संभालो। सोच कर देखना गाइज मेरी बातों पर, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं सीरियसली बोल रही हूँ, किसी को जज नहीं कर रही मैं, लेकिन एक बार मेरे इस टॉपिक पर सोच कर देखना कि अडॉप्ट करने पर क्या क्या हो सकता है। मैंने नहीं सोचा था ये व्लॉग मैं अडॉप्शन और प्रेगनेंसी इस रिलेटेड पर बोलूँगी, बट अब हो गया, सो आई एम हैप्पी कि मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी इतने दिनों से, मेरे दिल की फीलिंग्स, वो मैं शेयर कर रही हूँ। एंड अगर एक से बोलते ना, 1% भी मुझसे प्यार करते हो ना, 1% भी मेरे किए हुए चीज़ें पसंद आती है, मैं इंस्पायर करती हूँ अगर 1% भी आप लोगों को, तो मेरे इस बात पर सोचना। सोचोगे कैसे? अपना फ्रिज होता है ना, फ्रिज पर एक पेपर या फिर स्टिकी नोट उस पर चिपका दो, उस स्टिकी नोट पर ये लिख लो, मतलब जिससे आपको याद रहेगा, एंड आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, थिंक अबाउट अडॉप्टिंग अ चाइल्ड एज रोहिणी भगत गुप्ता सेड। हिंदी में लिखना चाहो तो अडॉप्शन के बारे में सोचना है जैसे रोहिणी भगत गुप्ता ने कहा है, रोहिणी भगत गुप्ता की बातों पर अडॉप्शन से रिलेटेड गौर करना है। ये लिखकर अपने फ्रिज पर या अपने टीवी के बाजू में या कहीं पर अपने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर चिपका दो, जिससे कि हर आते जाते वक्त आपको वो दिखे और आपको याद रहे और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ उस चीज़ के लिए। आई वुड बी वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट ऑल कमेंट्स कम ऑन दिस वीडियो, एंड आप लोगों की क्या राय है। मेरा जो एडवाइस है वो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मैं जिस दिन मेरे 7 लाख फॉलोवर्स, जो 7,10,000 फॉलोवर्स है, उसमें से 50,000 फॉलोवर्स ने भी अगर मेरी इस एडवाइस को अपनाया ना, उस दिन मैं मानूंगी कि आप लोग सच में किसी को फॉलो करते हो तो दिल से करते हो, सच में। चलिए फिर, मैं आज का दिन अपना है जो पवन जी का ख्याल रखने में और घर संभालने में आज का दिन दूंगी। होप ये व्लॉग बहुत सेंसिटिव व्लॉग है
कोई फनी व्लॉग नहीं है, कोई मजाकिया व्लॉग नहीं है, बहुत सेंसिटिव व्लॉग है। होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। गिविंग बर्थ इज़ अ वेरी गुड फीलिंग, वेरी गुड फीलिंग, बट गिविंग लाइफ टू दैट चाइल्ड हु डजंट हैव फैमिली मेम्बर्स, हु डजंट हैव मॉम डैड, गिविंग लाइफ टू दैट चाइल्ड, वो सच में बताता है कि आप इंसान हो, आपके पास दिल है। ओके, चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी। जय श्री राम एंड राधे राधे।